हेलो गाइस, अगर आप एक यूट्यूबर है तो गाइस आप क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन के बारे में तो जानते होंगे। गाइस अगर नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो पे मैं वही बताने वाला हूँ, क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं। गाइस उससे हम अपनी बैकग्राउंड इमेज में कोई भी इमेज को पुट कर सकते हैं। गाइस अभी आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने जो है इसमें बैकग्राउंड को रिमूव कर रखा है और डिफरेंट कलर यहां पे मैंने यूज कर रखा है। गाइस कैसे यूज किया, क्या ट्रिक्स को फॉलो किया या कौन सी एप्लीकेशंस को यूज किया, गाइस वो सारे आज वीडियो पे कवर करने वाला हूं। इस एप्लीकेशंस के मदद से, मतलब क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन के मदद से गाइस आप कोई भी स्क्रीन को इजिली जो है बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। गाइस बट इम्पॉर्टेंट वन थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जो आपकी बैकग्राउंड जो होगी वो आपकी ग्रीन स्क्रीन होनी चाहिए। गाइस अदर कलर्स भी आप यूज कर सकते हैं गाइस, बट ग्रीन कलर इज बेस्ट टू रिमूव द बैक इमेज। अगर आप बॉलीवुड या हॉलीवुड को जानते हैं गाइस, मूवीज वगैरह देखते हैं गाइस, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही ग्रीन स्क्रीन को यूज़ किया जाता है। गाइस हमेशा कोई भी फिल्म जब बनती है ना गाइस, एक जगह बनती है, एक स्टूडियो पे क्रिएट होती है, ना कि आपको हर जगह पॉसिबल होती है जाने के लिए। बट उसमें क्या करते हैं कि वो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करते हैं और बैकग्राउंड में कोई भी अदर सीन्स को पुट कर सकते हैं। गाइस दैट्स द बेनिफिट ऑफ द ग्रीन स्क्रीन्स। सो गाइस आज के इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कैसे जो है आप अपने ग्रीन स्क्रीन को यूज करके बैकग्राउंड में डिफरेंट कलर को पुट कर सकते हैं। गाइस सो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। फिलहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। गाइस बैकग्राउंड रिमूव करके गाइस आप अपनी इमेज, अपनी वीडियोस को डिफरेंट लेवल तक पहुंचा सकते हैं गाइस, जिससे आपकी वीडियोस क्वालिटी एक अलग लेवल पे पहुंच सकती है। गाइस उसका बारे में तो आप भी जानते होंगे, अगर आप एक क्रिएटर्स हैं या आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो गाइस आपको ये चीज पता है। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी फिर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते नहीं हैं गाइस, दैट्स द प्रॉब्लम। सो गाइस सबसे पहले हम एक यहाँ पे इमेज को ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये वाली इमेज को हमने यहाँ पे ले लिया है गाइस, इसको हम लेंथ लंबा कर देते हैं। अभी आप इस वाली इमेज में देख रहे होंगे गाइस, बैकग्राउंड जो है वो हमारी ग्रीन है और ऊपर एक हमारी फोटो लगी हुई है। गाइस आप वीडियो पे भी कर सकते हैं, सेम मेथड फॉलो होगी, बट बैकग्राउंड ग्रीन होनी चाहिए गाइस। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट कलर यूज कर रखे हैं, ऑब्वियसली इसी कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ गाइस। ये लो गाइस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है इसको। अब देखो गाइस अभी क्या है कि हमारी बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुई है, वीडियोस आप प्ले करा के मैं दिखा रहा हूँ, बैकग्राउंड हमारी रिमूव नहीं हुई है। रिमूव करने के लिए आपको ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा की का यूज करना पड़ेगा। अब क्रोमा की जो है वो आपकी मोबाइल एप्लीकेशन से यूज होती है, जैसे अगर आप काइन मास्टर वगैरह यूज करते हैं, अगर आप पीसी या डेस्कटॉप से करते हैं एडिटिंग देन एयर पे ग्रीन स्क्रीन को यूज करना पड़ता है। तो अभी हम करने वाले हैं वंडरसेल फिल्मोरा को यूज, सो हम यहाँ पे करने वाले हैं ग्रीन स्क्रीन का यूज। अगर आप चाहते हैं कि क्रोमा की को कैसे यूज कर सकते हैं या मोबाइल से हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैक्सिमम कमेंट मिलेगा तो उसके लिए भी एक मैं डेडिकेट वीडियोस जरूर बना के लेके आऊंगा गाइज आपके। सो गाइज अब क्या करना है, सिंपली हमें अपने जो टाइमलाइन है अपनी, जिसको हमें रिमूव करना है बैकग्राउंड, उसको हमें सेलेक्ट करनी है गाइज। देन यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख रहे होंगे क्रोमा की, ठीक है ना। यहाँ पे क्रोमा की भी आपको देखने को मिल रहा है, बट मोस्टली जो है हम मोबाइल पे जो यूज़ करते हैं उसको क्रोमा की बोलते हैं, बट यहाँ पे जो मैं राइट क्लिक किया था तो यहाँ पे आपको ग्रीन स्क्रीन ही देखने को मिला था गाइज, बट इसको एक्चुअल लैंग्वेज में हम ग्रीन स्क्रीन ही क्रोमा की ही बोलते हैं। सो गाइज यहाँ से मैंने इसको पेन को ले लिया है और गाइज यहाँ पे हमें ड्रैग करके ले जाना है जिस बैकग्राउंड को हमें रिमूव करनी है गाइज। तो हमें यहाँ पे ग्रीन वाली रिमूव करनी है गाइज, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे गाइज, उसके बाद देन ओके। तो अभी आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड जो है वो हमारी रिमूव हो चुकी है गाइज, इजली, बहुत सिंपल मेथड है गाइज, बहुत आसानी तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार आपको प्ले करके जरूर दिखाना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे अभी मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो देखिए गाइज
बैकग्राउंड में मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए थे, तो वो अपने आप ही बैकग्राउंड में इस तरह से कलर, ऐसा लग रहा है कि पीछे से लाइट ब्लिंक हो रही है, बट गाइज लाइट नहीं ब्लिंक हो रही है, ये हमारी क्रोमा की का इफेक्ट्स है गाइज। तो इसी तरह से जो है बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं अपने बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं और अपने वीडियोस को एक अलग लेवल तक ले जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार ये कैसे एडिटिंग हुआ होगा, तो गाइज उसको कहते हैं हम क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन, जिसके मदद से हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके डिफरेंट लेवल का हाई क्वालिटी का बैकग्राउंड में फ़ोटोज़ पुट कर सकते हैं, वीडियोज़ को पुट कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियोज़ की क्वालिटी एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है गाइज। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो पे आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमें ग्रीन स्क्रीन को कैसे यूज़ करनी चाहिए, या क्रोमा की को कैसे यूज़ करनी चाहिए, या अपनी बैकग्राउंड को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं गाइज। तो गाइज आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिलहाल अभी तक गाइज आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।